और सुनाए सब ठीक ठाक है जी। मैं काफ़ी दिनों से बीमार रही, मैं तो वीक बीमार रही हूँ, मैंने कुछ नहीं अपलोड किया। अब जी मैंने ना आज मटन का पुलाव बनाना है, तो मैंने कहा आप लोगों को आसान रेसिपी दे दूँ। ये देखिए जी, ये तीन प्याज है, चार तीन खड़े वाले, ठीक है जी। ये लहसुन अदरक है जी, लहसुन अदरक का पेस्ट है, टमाटर है, और ये मेरी ये मैंने अपनी चटनी बना ली थी, फिर उसके बाद ठीक है जी। मैंने जितनी प्याज की तो ब्राउन होते हैं चावल, प्याज तो फिर आपको बताते हैं, इनको ज़्यादा नहीं ब्राउन करना, लाइट ब्राउन रख के प्याज को। इसके अंदर जी मैंने इसके अंदर ना मोटी इलायची, दो कड़ी पत्ता, दालचीनी, लहसुन थोड़ा सा डाल के इसको मैंने यखनी बना ली है। ये यखनी के तौर पे तैयार कर ली, ठीक है जी। और ये वाले दो भाई, दो और आधा इतना ये चावल है, अब चुन के इनको डिप कर दिया होगा इसको। ये देखिए जी, मैंने हल्का सा गला दिया, ज़्यादा गर्म तो नहीं करना, और चावल ब्राउन ब्राउन हो जाता है, इसलिए मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दिया। इसके अंदर मैंने टमाटर ऐड कर दिया जी, ये देखिए, ठीक है। हरी मिर्च भी इसके साथ ही मैं ऐड कर देती हूँ। अभी इसके अंदर मैंने नमक मर्च कुछ नहीं डाला था। ये जी मैंने मिर्ची भी डाल दी है, ठीक है। तो अभी इसके अंदर ना नमक है ना मर्च है, इसके अंदर मैंने कुछ नहीं अभी ऐड किया, सिर्फ मैं मसाले को सिर्फ अभी खाली भून लेंगे, प्याज हल्का सा ब्राउन कर लेते हैं, हरी मिर्च ग्राइंड करके रखी वो भी एक चम्मच दो गई चावलों में। अच्छा जी, ये जी हरी मिर्च मैंने ग्राइंड करके रखी हुई है, उसके अंदर सिरका लगाया हुआ, हल्का सा नमक है उसके अंदर, तो उसका भी अपना टेस्ट है। फिर ज़्यादा मिर्ची डालने से सीना सकता है चावलों में, डाल दें इसके अंदर। ये जी एक चम्मच मैंने हरी मिर्ची डाल दी, ये मैंने सारा कुछ भून लेना है आपके पूछते हैं। इसको मैंने मसाला बना दिया, भून लिया अच्छे तरीके से। ये देखिए मेरे ढाई, ये देखिए जी, हम लोगों को नहीं पता चलता, ढाई गिलास चावल हैं, तो आपने इस तरह करके छोटे टी, ठीक है, ये दो चम्मच आपने ऐड कर देने चावलों के अंदर नमक के, ये दो चम्मच, आप बेशक हाफ ऊपर भी कर सकते हैं इसमें, क्योंकि चावलों में नमक मेरा अक्सर कम होता है, मेरा अक्सर कम होता है मेरा चावल के अंदर नमक, हाँ मैं इवन के हल्दी भी चावलों में डालती हूँ, चौथाई हिस्सा सूखा धनिया एक चम्मच, यखनी देना है पौवा मैं इसके अंदर भी डालो, हाँ डाल दो इसके अंदर। ये भी मैंने नमक मर्च पौवा मर्च इसके अंदर डाल के अच्छी तरह हल्दी डाल के मैंने चम्मच लाल मिर्ची का चम्मच आधा ही डाला है, एक बार डाल दो बस, लो कितने में इसको घुला ले तो अच्छी तरह, ये 10 से 15 मिनट में गल जाएगा, उसके बाद इसके अंदर ही यखनी ऐड करेंगे। ये बस हो गया, फूल जाते हैं चावलों के अंदर नमक हमेशा ही ज़्यादा होता है, मतलब एक गिलास चावल होंगे तो एक चम्मच नमक का होगा, नमक कम जो है ना वो फिर मज़े का नहीं लगता। अभी मैंने गरम मसाला नहीं ऐड किया, अभी मैंने काली मिर्च इसमें नहीं ऐड की, अभी मैं सिर्फ मसाला बनाऊंगा ताकि मसाला काला ना हो, अच्छे तरीके से बन जाए। नहीं मैं चावल पुलाव मटन का पुलाव चावल खाए, मैंने मसाला भून के आपके पास दोबारा खाना तैयार हो रहा है जी। हमने यखनी बनाई थी ज़्यादा, तो हम लोग क्या करते हैं, जितने गिलास हमने चावल लिए थे ना उतने गिलास हमने अपना, मतलब मैंने ये मीरब ने, मैंने नहीं मीरब ने ये मग्गा लिया था, ठीक है जी, मैंने ये मग्गे के ढाई गिलास एक ये देखते जाइएगा, क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता चलता, जो जिस गिलास से चावल नापने हैं उसी गिलास से चावलों का पानी डाल रहे हैं, दो ठीक हो गया जी, एक हो गया तीन बस, नहीं नहीं ढाई और ढाई पाँच होंगे ना, ये देखो ना तीन हो गए, ठीक है जी। अब हम इसको बनाते हैं, और नीचे से इसके नीचे जो सागर से मंगा वो रहते ऐसे, हाँ
तो चार ग्लास हो गए ना, तीन हो गए, चार देखे चार उधर से भी सही कराना है। बुखार है मुझे काफी दिन से, मुझे टू वीक से बुखार और आज मम्मा से सब नहीं कहा है, सारे घर की सब लोग और मामाशी सब नहीं कहा है, मेरी अम्मी नहीं है वो भी कह रही है, अम्मा भी कह रही है, दादी भी बच्चे भी, मैं तो चले इनको मैं कहना उन्होंने सारा कुछ प्यार किया, काटा है इन्होंने सारा, मतलब मैंने जो जो बताया इन्होंने मुझे प्यार करके दिया, मैंने कुछ नहीं किया आज, आज मैंने किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाया, सारा कुछ इन्होंने काटा, काट के इन्होंने रखा और बना मेरे लिए प्याज लहसुन टमाटर अदरक हर चीज़ इन्होंने रखी, हमने कुछ नहीं रखा दिया। ठीक है जी, ये देखेंगे, ये हमने गोश्त लैदा कर दिया, ठीक है जितनी लैदा होगी गोश्त लैदा हो गया, ये हमने यहाँ गोश्त इसके अंदर थोड़ा ऐड कर दिया, जो मसाला मैं भून रही थी लहसुन प्याज टमाटर अदरक वाला उसके अंदर मैंने सारा ये डाल दिया। अब इसको डाल अच्छी तरह भूनेंगे, इसकी भुनाई अच्छी तरह करनी है ताकि भून के इसका जायका लगे। इसके अंदर दाल चीनी काली मिर्च जीरा मतलब रखने के अंदर जो जो था वो सारा कुछ चला गया। एक दफ़ा मैं इसका नमक टेस्ट कर लूँ, मुझे ठीक लग रहा है, इसको भूनने रखते हैं और 5 मिनट इसको भूनते हैं, इसका वेट करते हैं, इसका घी निकला है, फिर मैं इसके अंदर चावल और जितनी ऐड करते हैं। गोश्त ज़्यादा गल जाए आपने चम्मच नहीं लगाना, उसको पकड़ के यूँ ला लेना मसाले को, ठीक है जी, ताकि वो गोश्त जो है ना चले, अगर ज़्यादा गल भी गया वो ज़रा मतलब ना हो, रेजा रेजा ना हो, अगर रेजा रेजा हो जाएगा तो फिर वो काम खराब होता है, ठीक है जी। अरे ये जी मैंने पीली, ये मैंने पीली लगाई थी, ठीक है जी, ये मैंने बताया आपको ठीक हो गया, क्योंकि ढाई ग्लास थे एकदम से शोर हल्का हो गया तो और इसलिए हल्का हो गया, सारे चले गए तोते शोर नहीं कर रहे। आज इसकी अब करते हैं नीचे से तेज, क्योंकि बहुत अजीब किस्म का गला हुआ था, रास्ता धो दो और आप जी दोबारा से 3 कप डाले थे चले गए, 4 कप कर देते हैं, अगर ये ले जी, ये 4 कप हो गए, 5 हो गए 5 की है, ये 5वां डाल लेना, चले जी ये 5 हो गए जी, मैंने तो पहले देख रहा था, चलो कोई बात, ये जितनी हमने निकाल ली जो बच गई ये कहीं दाल में किसी चीज़ में ऐड हो जाएगी, आप ये यखनी किसी दाल में सब्जी में यखनी में बना सकते हैं, ये जी मैंने सारा मसाला इसके अंदर, ये हमारी यखनी बच गई, ये हमने उसमें डाल ले ली, और ये जी अब मैंने काली मिर्च ठीक है और गरम मसाला, ये जी मैंने उस वक्त ऐड नहीं किया था, ठीक है ये देखें एक चम्मच ये और काली मिर्च, मेरा तो हाथ का अंदाज़ा होता, मैं आप लोगों के लिए चम्मच में डालती हूँ, ये देखें ठीक है। तो आज तो ब्लॉग की खैर हो सही, मम्मा कौन सी रेसिपी बता रही हैं, पुलाव मटन, ये बहुत ही मज़ेदार पुलाव है, दोबारा मत खाऊंगा। क्या देख, तो ना लोग नहा के सामने आ जाते हैं और फिर इतने हसीन लगते हैं, ऊपर से आंखों की चमक इतनी खूबसूरत, चावल मैंने साथ ही डाल दिए, चावल डाल दिए, बाला उसको आ गया पानी को, ठीक है ये देखिए आप मैंने चावल साथ ही डाल दिए, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, ये रात के अंदर चावल थोड़ी देर किए थे, मेरे भी चावल नए हैं, पुराने नहीं हैं, तकरीबन कोई 6 महीने पुराने हैं, मैंने 6 महीने पहले दिए थे, ठीक है अगर आपके पुराने चावल हैं तो ज़्यादा देर भी धो लीजिएगा, मेरे चावल ज़रा नए थे 6 महीने मैंने इसलिए ज़्यादा नहीं धोए, अब इसी लिखने के अंदर मेरे चावल तैयार हो जाएंगे, ठीक है जी। ये देखते जी टमाटर आ गए सारे, लहसुन अदरक सारा आज भी मैं
इनके स्पुर्द किया सारा कुछ। ये देखो क्या है, अदरक है ना, देखो। चलो मैंने गर्म मसाला भी ऐड कर दिया इसके अंदर, मैंने काली मिर्च भी ऐड कर दी। अब ये पकेंगे चावल और हम इसको हमने इधर रख दिया। अब दस ये इसके नीचे हमने वो रखा है तवा, धुआं धुआं मेरा कैमरा ब्लर हो जाएगा। क्या हसीन शक्ल है, लगा दूं चम्मच? पूछना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा है बस। तो बहुत मजे की लग रही, कच्चे चावल बहुत पसंद है, इसलिए मैं पहले कच्चे चावल निकाल देती हूँ। इसकी जितनी सी आँच है और ये इसकी चावल तवा रख दी है, ये मेरे कच्चे चावल, ये हमारे चावल रेडी हो गए हैं। काम तो खराब करने के लिए ये मेरा स्टाइल, ये चावल इसमें है। हमारे चावलों की लुक आई है, ये देख लीजिए। हम चावल दिखाने हैं, मैंने ज्यादा ब्राउन नहीं, ये हम अपने चावल दिखाने हैं और ये बकवास करी भी इसमें आ गई। खाड़े घर में सुनामी आनी है। बिलावल की राज की लाइट्स ऑन करो, ले आज भी खाते हैं सलाद है।